जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। रेलवे स्टेशन की तर्ज पर अब झांसी के पार्कों में भी फ्री वाईफाई की सुविधा मिलने जा रही है। 5 पार्कों में वाईफाई का काम पूरा कर लिया गया है। अगले हफ्ते तक इन पार्कों में वाईफाई की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। साथ ही इन पार्कों में सोलर ट्री भी लगाए गए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत महानगर के 5 प्रमुख पार्कों को नवीनीकरण किया जा रहा है। इसमें काशीराम पार्क, रानी लक्ष्मीबाई पार्क, मैथिली शरण गुप्त पार्क, डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा पार्क और नारायण बाग पार्क को और सुंदर बनाया जा रहा है। इन 5 पार्क में आने वाले लोग सीमित समय के लिए फ्री वाईफाई का आनंद ले सकेंगे। साथ ही इन पार्कों में चार्जिंग प्वाइंट और बैठने के लिए बेंच भी बनाए गए हैं। स्मार्ट सिटी के ACO मोहम्मद कमर ने बताया कि लाखों रुपए की परियोजनाओं के तहत 5 पार्कों में सोलर ट्री लगाए गए हैं। अगले सप्ताह तक वाईफाई की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। पार्क सुंदर होंगे और लोगों की संख्या भी बढ़ जाएगी। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से कानपुर रेलखंड के उसर गांव चौराहे के बीच नए रेलवे रूट का मंगलवार को स्पीड ट्रायल होगा। इस दौरान नए रूट पर 25,000 वोल्ट की बिजली प्रवाहित की जाएगी। लोगों से रेलवे ट्रैक और बिजली लाइन से दूर रहने की अपील की गई है। रेल प्रशासन के अनुसार 29 नवंबर को उत्तर मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर द्वारा झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई से कानपुर रेलखंड पर नव विद्युतीकृत एवं दोहरीकृत रेलखंड का विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही निरीक्षण विशेष गाड़ी से स्पीड ट्रायल भी किया जाएगा। इस रेलखंड में 25,000 वोल्ट की बिजली प्रवाहित की जाएगी। इसलिए ऊसर गांव चौराहे ट्रैक के आसपास के लोगों से अपील की गई है कि बिजली तार खम्भों से दूर रहें, ट्रैक के आसपास ना बैठें और ना ही अनाधिकृत रूप से ट्रैक को पार करें या अपने मवेशियों को पार कराएं। पति के अवैध संबंध के चलते पत्नी ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। मृतका का नाम प्रिया बताया जा रहा है। प्रिया का विवाह 2005 में ईसाई टोला निवासी रिंकू अहिरवार के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात प्रिया को उसके पति के अवैध संबंध का पता चला। बताया जा रहा है कि कुछ महीनों से विवाद बहुत बढ़ने लगा था, क्योंकि प्रिया के पति ने प्रिया को छोड़कर दूसरी शादी करने की धमकी दे दी थी। विवाह के बाद से दंपति के 2 बच्चे भी हैं, एक 13 वर्षीय पुत्री और एक 11 वर्षीय पुत्र। दूसरी शादी की बात को सुनकर प्रिया मन ही मन घुटने लगी और खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। 6 दिन तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए प्रिया ने बीते दिन अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं टीकमगढ़ निवासी प्रिया के पिता मोहन वाल्मीकि का कहना है कि उनके दामाद के अवैध संबंध के चलते पिछले 2 सालों से उन दोनों का विवाद चल रहा था। पिछले 6 माह में विवाद और बढ़ गया। मोहन वाल्मीकि का कहना है कि किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध के चलते वह प्रिया को परेशान करने लगा था। आरोप लगाते हुए मोहन वाल्मीकि ने बताया कि 21 नवंबर की शाम पुत्री घर पर अकेली थी और बच्चे दूध लेने गए हुए थे, तभी दामाद आया और मिट्टी का तेल डालकर प्रिया को जला दिया। गंभीर रूप से जलने के बाद प्रिया को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है, जहां उसने दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस की जांच में आत्महत्या का मामला सामने आया है। थाना प्रेमनगर प्रभारी निरीक्षक संजय शुक्ला ने बताया कि मामले की पड़ताल में मृतक के मोहल्ले और बच्चों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि मम्मी पापा का महिला को लेकर विवाद चल रहा था। झगड़े के दौरान पापा ने कहा कि वह दूसरी शादी कर लेंगे, जिस पर मम्मी ने गुस्से में अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लिया। मोहल्ले के लोगों द्वारा आग को बुझाया गया। फिलहाल आगे की कार्यवाही अभी जारी है। सीता स्वयंवर के लिए बड़ी धूमधाम से शहर के मुख्य मार्गों से निकली राम बारात। संघर्ष सेवा समिति संस्थापक अध्यक्ष वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी सहित सैकड़ों लोग बारात में शामिल हुए। राम बारात मार्ग पर भक्तों ने पुष्प वर्षा कर बारातियों का स्वागत किया। इस बार राम बारात में पिछली बार की अपेक्षा अधिक भीड़ देखने को मिली। लोगों में सुबह से ही राम बारात को लेकर उत्सुकता थी। जैसे जैसे दिन ढलता गया, लोगों की उत्सुकता बढ़ती गई। तेज धूप होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग राम बारात देखने के लिए सड़कों पर खड़े हो गए। श्री श्री 1008 श्री रघुनाथ जू सरकार मंदिर ने पूजा पाठ होने के बाद भव्य राम बारात निकाली। बाराती बनकर पहुंचे डॉक्टर संदीप सरावगी। राम बारात पसरट वली गली से उठकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पहुंची। इस दौरान पूरे मार्ग पर जगह जगह राम बारात का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया।
शुभ अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने जय श्री राम के जयकारे लगाए, साथ ही राम जी की आरती भी उतारी गई। राम बारात में पात्र बने नन्हे मुन्ने बच्चे भी आकर्षण का केंद्र बने रहे। इसी के साथ जैसे जैसे बारात बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों में राम बारात के दर्शन को लेकर बेचैनी बढ़ती गई। जैसे ही राम बारात चौराहे पर पहुंची वैसे ही राम बारात पर फूलों की वर्षा प्रारंभ की गई। राम बारात के दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर जीतू सोनी युवा अध्यक्ष, जयदीप खरे जिलाध्यक्ष और कई सारे लोग उपस्थित रहे। रोडवेज में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अश्लील हरकतें करने का आरोप क्षेत्रीय प्रबंधक पर लगाया है। इसकी शिकायत महिला ने पुलिस तथा उच्च अधिकारियों को भी दी थी लेकिन महिला की कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर महिला ने अपने साथ हो रही ज्यादती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद थाना सिपरी बाजार पुलिस ने क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वायरल वीडियो में दिख रही पीड़िता ने क्षेत्रीय प्रबंधक सर्वेश कुमार पर आरोप लगाते हुए बताया कि सर्वेश उसे बार बार कक्ष में बुलाकर फाइलों के बहाने उसे स्पर्श करने लगे, उसे गलत निगाहों से देखने लगे तथा अश्लील हरकतें करने लगे। रोध किया तो आरएम ने गलती मान ली। इसके बाद महिला ने अपना पटल बदलवा दिया जिससे आरएम चिढ़ गए और फिर से महिला को परेशान करने लगे। महिला ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की लेकिन महिला की बात को टाल दिया गया। महिला ने पुलिस से भी शिकायत की है परंतु न्याय नहीं मिला। मजबूरन महिला कर्मचारी ने घटना का वीडियो बनाकर सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर महिला ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।